अध्ययन में खुलासा, पशुओं के दूध में एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष बढ़े। बाजारों में बिकने वाले गाय भैंस के दूध में एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष पाए गए हैं। अभी यह अवशेष सहिष्णुता सीमा पर है। अगर यह स्वीकार्य सीमा से ज्यादा हो गए तो दूध आपकी सेहत बनाने के बजाय उल्टा बिगाड़ देगा, यानी यह अलार्मिंग स्थिति है। चौधरी सरवन कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वेटनरी विभाग द्वारा प्रदेश के कई क्षेत्रों में किए गए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि किसानों को पशुओं के पालने में सुधार करना होगा। ज्यादा दूध निकालने के लालच में या बीमारी के दौरान हद से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं पशुओं को खिलाना इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। हिमाचल मेडिकल कॉलेजों में एक सप्ताह तक सामान्य ऑपरेशनों पर रोक। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रूटीन ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। कोरोना के चलते फिलहाल एक सप्ताह तक ये व्यवस्था की गई है। मामले घटने के बाद ही सर्जरी, पथरी, ऑर्थोपेडिक्स, आंखों के ऑपरेशन हो सकेंगे। हादसों में घायल व गंभीर रोगियों के ऑपरेशन चलते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एक्टिव मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी भी दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले 2000 आ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ होने पर ही लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अस्पताल परिसरों और ओपीडी में भीड़ न एकत्र करने और वार्डों में भी मरीजों के पास एक से ज्यादा तीमारदार न होने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी शिमला, कांगड़ा के टांडा, हमीरपुर, चंबा, नाहन और मंडी ने चौक में मेडिकल कॉलेज है। डॉक्टरों को भी रूटीन के ऑपरेशनों की तिथियां फिलहाल नहीं देने के लिए कहा गया है। 20 वर्षों से बिस्तर पर जंजीरों से बंधा है ये शख्स, जानिए क्या है वजह। फतेहपुर तहसील के अंतर्गत पंचायत झुम व घास के गांव परोल का 45 वर्षीय रमन कुमार, जो कभी व्यापार करता था और हजारों रुपए कमाकर अच्छी जिंदगी जी रहा था, मगर वर्ष 2002 के बाद बिस्तर पर पड़ा है। उसे ना तो दिन का पता है और ना ही रात का। रमन कुमार के घर में एक ही कमरा है जहां उसे लोहे के जंजीरों से बांध कर रखा गया है। मानसिक रूप से बीमार रमन कुमार को कमरे के अंदर ही बाथरूम व शौचालय करवाया जाता है। रमन कुमार लुधियाना की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, मगर वर्ष 2002 में बीमार होने के बाद उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। आज परिवार की स्थिति दयनीय है। रमन कुमार के दो बच्चे हैं। पत्नी अंजू बाला मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से परिवार का पालन पोषण कर रही है।